और ये कोई आसान चीज है पढ़ना? इस लॉ है सर, इसमें तो पहले नहीं कर सकते थे फाइल जी। इन दुनिया में ऐसे होता है या सिर्फ निजाम अदल पाकिस्तान में ऐसा चलेगा? बाकी दुनिया की हम तारीख में बताते हैं, ये जरा प्लीज ठहर जाइए ना कि अमेरिका में क्या होता है, विलायत में होता है। आप ये करें अमेरिका अमरा विलायत में जाकर के, फिर क्या होगा आपके साथ? वहां तो आप सारे वेस्टर्न ट्रेडिशंस बताते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशंस तो बताते नहीं है। अगर कागज के मामले में ठीक है भाई, मेरी मर्जी जब मैं करूँ, सच ए सीनियर काउंसिल माय लॉर्ड। तो वो मेरा सवाल अपनी जगह ठहरा हजूर, आप जवाब तो दे दीजिए। जी मालूम है, अटमोस्ट रिस्पेक्ट, आई एम नॉट रीडिंग इट एज अटमोस्ट रिस्पेक्ट को छोड़िए, सिर्फ जवाब दे दीजिए। अच्छा सर, आपके साथ मेरा वक्त की कमी है। जी आई नो माय लॉर्ड, आई एम जस्ट सेइंग सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट मींस सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। मैं आपसे मैंने आपसे बात, आप फिर से आप देखें जो मैंने सवाल है उसका तो आप जवाब नहीं। मैं आ तो जाऊं उसमें? नहीं, आप आएंगे तो अगर दिन निकल जाएगा। मैंने कहा अगर ये हम लव्स कार्ड दें सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, फर्क क्या पड़ेगा फिर जी? इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। फर्क ये पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट इज नहीं पड़ेगा ना, नहीं लेकिन थैंक यू। इशू ये चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नहीं सर, पहले अभी सुन तो ले, मैं कंप्लीट तो कर लूं सर आपकी इजाजत से। अगर फिर भी कोई लॉ आप रूल नहीं बना सकेंगे व्हिच वायलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज दिस समथिंग टू बी टॉट टू द सुप्रीम कोर्ट? नो सर, बट आई एम हंबली सबमिटिंग सब्जेक्ट टू लॉ डज नॉट मीन द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, दैट इज माय हंबल सबमिशन। सब्जेक्ट टू, क्योंकि जहां पार्लियामेंट, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है पार्लियामेंट को बना दिया, स्पेसिफिक वर्ड्स आर यूज्ड। खैर जी, अब पता नहीं आप रिडंडेंसी इज पुट, आई एम नॉट अस्यूमिंग इट इज, आई एम जस्ट सेइंग 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन डिलीट एज रेंडर्ड मीनिंगलेस। सर आई एम रीडिंग इट लाइक दैट इफ आई एक्सेप्ट योर कंटेंट। सर माय लॉर्ड इज आस्किंग अ क्वेश्चन। देखो आप बात तो करें, फिर सवाल उठेगा यकीनन। पूछ रहे हो इसी बात से, सवाल उठता है सर जी।